हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th NCERT. स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल्स इज डबल दैट इफ that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. According to question, यहाँ पर red ball student दी हुई हैं, 5 हैं, लेकिन some blue balls हैं जो कि हमें नहीं पता हैं. और according to question कहा गया है कि जो probability है blue ball की, वो double है red ball से. तो हमें blue ball, number of blue balls find करनी है यहाँ पर. तो students, सबसे पहले देखिए red balls, रेड बॉल्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट. रेड बॉल्स इक्वल टू 5. लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू एक्स. क्लियर स्टूडेंट? देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 5 प्लस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस एक्स. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस एक्स. क्लियर? बट कंडीशन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किससे, किससे डबल है स्टूडेंट? रेड बॉल से डबल है. सो स्टूडेंट, अगर हम रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन. लेफ्ट और राइट हैंड पर जो भी हैं ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स के जो प्रोबेबिलिटी हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगी. तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए x अपॉन 5 प्लस एक्स, ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, और 5 अपॉन 5 प्लस एक्स ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है. तो अगर हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये बैलेंस हो जाएगा. और ये बैलेंस होने के बाद देखिए जो सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा स्टूडेंट, देखिए x क्रॉस मल्टीप्लाई x 5 प्लस एक्स इक्वल टू 10, 5 टू जा 10, 5 प्लस एक्स स्टूडेंट, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स कैंसिल हो चुके हैं, x इक्वल टू 10. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 10, दिस इज द आंसर. स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, तो टोटल मार्बल्स इन द जार, टोटल मार्बल्स इन द जार इक्वल टू 24. इफ ए मार्बल, सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट ग्रीन
इज़ 2/3। अगर उसमें से रैंडमली हम कोई एक मार्बल निकालते हैं तो उसकी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल इन द जार, के टोटल कितने मार्बल्स हैं जार के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लेट नंबर ऑफ ग्रीन, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू एक्स, क्लियर स्टूडेंट। देन ब्लू मार्बल्स इक्वल टू 24 माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी पी गेटिंग ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू एक्स अपॉन 24, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 2/3। सो इक्वली कर दें इन दोनों को स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन 24 इक्वल टू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24, देन एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ स्टूडेंट 24। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि टोटल मार्बल्स इन ए जार इज 24, एंड ग्रीन और ब्लू को अगर हम अलग अलग फाइंड करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट ब्लू मार्बल्स स्टूडेंट अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी लिखने में, जिसकी वजह से क्वेश्चन में थोड़ी आंसर में प्रॉब्लम हुई। इसको देखिए हम क्लियर करते हैं। हमारे पास जो था एक्स अपॉन 24 ये लिया था हमने, और 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24 था। हमने यहाँ पर 2 की जगह गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पर 3 हमने यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पर 2 रहेगा स्टूडेंट। इसको क्लियर कर लें, आप इसको करेक्शन करें। सो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24/3, 3 8 जा 24, सो x इक्वल टू 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू 16 मिली है, और ये x की वैल्यू क्या है, हमने किसको माना था, ग्रीन मार्बल्स को। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू 16, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू 16, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल टू 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने जार में जो 24 मार्बल्स थे उसमें हमने फाइंड कर लिए हैं कि यहाँ पर जो 16 मार्बल हैं वो ग्रीन मार्बल हैं और ब्लू मार्बल हैं 8, और टोटल जार में इस तरीके से 24 मार्बल्स हैं। सो आई होप दैट स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे इस तरह समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।